एप्पल द्वारा बढ़ाई गई कीमतों के बाद आईफोन 10 की भारत में शुरुआती कीमत 95,390 रुपए हो गई है। पहले इस फोन की शुरुआती कीमत 89,000 रुपए थी। वहीं फोन का 256 जीबी वाला वेरिएंट अब 105,720 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 108,930 रुपए बताई गई थी। कंपनी ने आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस की कीमतों में भी इजाफा किया है। आईफोन 8 का 64 जीबी वाला वेरिएंट अब 67,940 रुपए में मिलेगा, पहले इसकी कीमत 66,122 रुपए थी। वहीं इसका 256 जीबी वाला वेरिएंट 81,500 रुपए में मिलेगा, जबकि लॉन्चिंग के समय इसकी कीमत 79,420 रुपए थी। वहीं आईफोन 8 प्लस की शुरुआती कीमत अब 77,560 रुपए हो गई है, जो पहले 75,450 रुपए थी। कीमतों में इजाफे के बाद आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस की शुरुआती कीमत भारत में 52,370 रुपए हो गई है। आईफोन 7 का 32 जीबी वाला वेरिएंट अब 52,370 रुपए, 128 जीबी वाला वेरिएंट अब 61,560 रुपए में मिलेगा। वहीं आईफोन 7 प्लस की शुरुआती कीमत 62,840 रुपए और 128 जीबी वाले वेरिएंट की कीमत 72,060 रुपए हो गई है। जबकि एप्पल आईफोन 6s का 32 जीबी वेरिएंट अब 42,900 रुपए, 128 जीबी वाला वेरिएंट 52,100 रुपए, आईफोन 6s 31,900 रुपए में मिलेगा। वहीं आईफोन 6s प्लस के 32 जीबी वेरिएंट की कीमत अब बाजार में 52,240 रुपए पहुंच गई है।